Nada hala. I love you. I just love you. Thank you. Hi guys, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया. सो पिछले कुछ दिनों में एज ऑलवेज मैंने बहुत थोड़ा शूट किया और सबसे बढ़िया चीज जो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इसकी रेसिपी. इसे कहते हैं सुठौरा, जो मैंने इस बार नाजा खाल और अम्मी से पूछा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि वो बना दो. मैंने ड्राई फ्रूट का वो मिक्सचर बना दो, लेकिन इसको हम कहते हैं सुठौरा, जैसे पंजीरी वगैरह होती है डिलीवरी के बाद लेडीज को दिया जाता है. तो इस बार भी नाजा खाला जाने से पहले मेरे लिए ये बना के गई हैं, और इसे कैसे बनाते हैं इस बार मैंने हल्का सा शूट किया, तो अब वो देख के आइए. तब तक मैं ये इंजॉय करती हूँ. ये पूरी रात कट किया रात में काट के रखा था, फिर बहुत रात हो गई थी. हाँ. तो कहती अम्मी हम सुबह आराम से बनाएंगे. हाँ. जल्दी जल्दी में बिगड़ ना जाए. हाँ. हमने कहा ठीक है, हमने दीपिका से बोल के आए थे कि बेटा मैं तुझे बुलाऊं. हाँ, हाँ, मुझे देखना था कैसे बनाते हो. कैसे बनाना था. हाँ. तो ये आपने कट कर करके सब पूरी फ्राई करे घी में. हाँ, घी में. ठीक है, पूरी चीज. तो ये है गोंद. इसमें क्या है? इसमें वो पिस्ता है और बादाम है, छुआरे हैं, छुआरे, ये काजू और अखरोट भी है. हाँ, अखरोट. हाँ, ये इसमें खोपरा. हाँ, काजू. हाँ, काजू और मखाने. मखाने. अच्छा. हाँ, तो ये भी पूरा फ्राई किया हुआ है. हाँ, पूरा. हाँ, हाँ. इसमें हल्दी भी डली है. हाँ, इसमें हल्दी हल्दी कैसे बनेगा? अच्छा, वैसे जब बच्चा होता तो हल्दी में लड्डू ताकत रहती है, अच्छे कमर नहीं दुखती, अच्छी रहती है हल्दी. और इसमें बता दो ना तो क्या क्या है इसमें. चिरौंजी. हाँ, ये चिरौंजी, किशमिश, खसखस, ये चार मगज. अच्छा, चार. ये सौंठ, खड़ी वाली, मोटी वाली, मिक्सी में पीस के छानी है. अभी थोड़ी सी गोंद कम पड़ गई है तो अभी मंगाना है. ठीक. जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैंने ये बहुत खाया है. डिलीवरी के सेकेंड डे से मैंने ये खाया है. डॉक्टर श्वेता ने खास मुझे बोला था, जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन वो मुझे शाम में मिली थी, उन्होंने बोला था कि घर से जो भी लड्डू ड्राई फ्रूट जो भी आना है वो मंगा लो और खाना स्टार्ट करो. और तब भी खाला थी यहाँ पे, खाला यहाँ पे. तो जाने से पहले सबने उसी दिन उसको जाना था. हाँ, सुबह बताया. हाँ. कि मैंने कहा नाजा तुम्हें अभी बनाना है, तो उसी दिन जल्दी जल्दी बना के 4 बजे की ट्रेन थी. लेकिन बहुत, बहुत सबने मदद करी थी. हाँ, मैंने देखा था सब ब्लॉग में, सब बैठ के काट रहे थे. काटा था. हाँ. और बहुत अच्छा बना था. बहुत मतलब ये एक बहुत डिफरेंट हो जाता है. इसको बोलते क्या है? सुठौरा. वही मतलब वो बनाया. तब से वो सुठौरा. ठीक है. तो बहुत बस कट करने में ज्यादा टाइम लगता है. हाँ, इसमें कट करने में मेन मेहनत है. ना मिक्सी में चलाए, ना सिर्फ चाकू से कट करना. मेरा कैसे, मैं वो पंजीरी के लड्डू बनाती हूँ मिक्सी में चला लेती, शॉर्टकट बना लेती हूँ. इसमें बहुत काटने में बहुत मेहनत है. अलग अलग चीज तली जाती है. कोई चीज हल्की तलना है, कोई ज्यादा तलना है, तो ऐसे आप नहीं तल सकते उनको. और नाजा खाला को बहुत खुशी होती है जब दीपिका बोलती है मुझे खाला मुझे ये बनाना है, खुशी के मारे पागल हो जाती है. जल्दी संभालना. ये हो गया, फिर नाजा खाले के हाथ के दही बड़े हो गए, फिर वो मूंग वाली दाल वो बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज्यादा हरी मूंग की दाल. वो बहुत बनवा के, प्रेगनेंसी में भी मैंने बहुत बनवा के खाई है. चलो अभी इसका फाइनल स्टेप हो रहा है मिक्स करना. अपना पाउडर ना. खाला ने कहा टेस्ट करो, गुड़ डालना है और नहीं डालना है बताओ. तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा और गुड़ जा सकता है इसमें. और फिर देखिए नाजा खाला की ये कोई नई टेक्निक, चारों तरफ मिल जाएगा ना. अच्छा, ये चल जाएगा. चारों तरफ घुमा दे.
तो मैं तो थोड़ा अभी खा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया हो गया, घी डालने की जरूरत नहीं है, बस बहुत सब सही है। तो ये हो गया पूरा रेडी और मैंने थोड़ा सा अभी निकाल के खा लिया, लेकिन खाला कह रही है कि वो इसे अभी थोड़ी देर और गैस पे रखेंगे। हाँ, 2 मिनट 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गैस पे रखेंगी। अब वो बस मिक्स करते हुए मीठा कितना चाहिए, घी कितना चाहिए, वो आप अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी ये भी बहुत, जैसे पंजीरी बनती है डिलीवरी के बाद, ये तो ये हमारा सठौरा हमने सूखा रखा है, तो ये हमारे मौदाहा का है जो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी नहीं डिलीवरी के बाद। मैं कोई फंबल ना मारूं ऐसा हो सकता है, और अभी भी खाऊंगी खूब भर भर के। बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये नाजा खाला की रेसिपी मैंने आप सबके साथ आज शेयर की, तो मेरे लिए एक वेरिएशन हो गया। और मैंने जैसे ही मैंने बाइट किया ना, मुझे एकदम हॉस्पिटल के दिनों की याद आ गई, जब रूहान वॉज इन दी NICU और मैं पूरा वो 18-19 दिन जो मैं वार्ड में थी और मैं रिकवर भी कर रही थी ऑब्वियसली। तो होता है ना कभी कभी वही चीज़ खाओ तो वही जगह की याद आ जाती है। सो इसमें डिफ़िकल्ट ये है कि वो कटिंग जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स काटने में हालत ख़राब हो जाती है। जो प्रपोर्शन मैंने नाजा खाला से पूछा वो ये था कि ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब उन्होंने हाफ हाफ केजी लिया है। कुछ अगर आपको कम डालना है तो आप 300 ग्राम या 250 ग्राम कर सकते हैं। जैसे यूजुअली पिस्ता जो है वो आप थोड़ा कम कर लेते हो, या अखरोट भी है वो आप थोड़ा 300 ग्राम कर लेते हो, बादाम काजू आप नॉर्मल रख लेते हो, और बाकी जो जैसे सौंठ हो गई या खसखस हो गई, ये सब उन्होंने 100-100 ग्राम जो है फ्राई करके डाला था। और ये है नाजा खाला के हिसाब से यूज़ किए गए एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आपके घर में कोई है जिन्होंने अभी डिलीवरी की है तो उनके लिए ज़रूर बनाएं, और अगर नहीं भी है तो भी ठंड में ये चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और अभी तो इस वक्त काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इन अ वेरिएशन आप पंजीरी की रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट डे था शोएब का शूट डे और मैं कुछ खाने के लिए ना भीजू, ऐसा हो सकता है। और मैंने फिर से लेमिंगटन्स बनाया, मेरा आई थिंक एक पीरियड आ रहा है। अब जैसे मैं बिरयानी बना रही थी तो मैं बिरयानी ही बना रही थी, अब मैं लेमिंगटन बना के मैं तीसरी बार लेमिंगटन बना रही हूँ वो भेज रही हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जाता है फिर कोई खा लेता है फिर कोई छूट जाता है, तो अब किसी और ने फिर से फरमाइश कर दी, तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, बनता है बनता है, बना दो बना दो। सो हो गया अगला दिन और आज है मंडे, यानी कि आज है शोएब का शूट डे। और आज एज ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ खाना माने मैं शाम के वक्त स्नैक्स टाइप भेजती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। एंड उस दिन मैंने लेमिंगटन्स बनाए थे, तो परसों ही उस दिन क्या बोल रही हूँ मैं परसों ही मैंने लेमिंगटन्स बनाए थे। तो शोएब ने देखा, बोला अरे आपने फिर से बनाया? मैं बोला हाँ क्यों? तो शोएब ने बोला कि वहाँ पे बहुत लोग हैं अभी भी जो कह रहे कि आप फिर से वो कब लेके आओगे। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी कहो अगर आप किसी के लिए भेज रहे हो तो कुछ फ्रेश बना के भेजो तो बेटर है। तो इसलिए मैंने कल रात को ये केक जो है वो दोबारा एक फटाफट फ्रेश बेक किया और अभी मैं इसके लेमिंगटन्स बना रही हूँ। एंड कल का मेरा व्लॉग जो है वो ट्रेंड कर रहा है ऑलरेडी ऑन 15, सो थैंक यू सो मच। और आप में से कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी और आप लोग रेसिपी ट्राई करोगे, और मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने कईयों को जवाब भी दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो भी ट्राई करेंगे ना मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आपकी फैमिली को स्पेशली आपके बच्चों को ये केक कैसा लगा। पता नहीं मैं कब से इस तरीके से ये दो अलग अलग सी चप्पलें पहन के घर में घूम रही हूँ, और अभी मेरी जस्ट ऐसे ही नजर गई तो मैंने देखा कि ये दोनों अलग है। सो कोई बात नहीं, That's the madness in the house, especially on Mondays. नहीं दादा। ये आज बन रहा है कीमा, ये कीमा का मसाला रेडी हो रहा है।
सो हमारे यहाँ ये पनीर तवा पुलाव और रायता बहुत यमी मिलता है। आज मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, तो ये मैंने अपने लिए मंगाया। मैं अपना लंच कर रही हूँ। रूहान, जैसा कि आपने देखा, सोया हुआ है। और देखिए, यहाँ बैठे बैठे मेरी नज़र किस पे गई, इस पे। ये चप्पल मैं पहन के घूम रही थी, मैंने आपको दिखाया, राइट? और वो देखिए दूसरे। तो इससे पहले मैं रूहान को यहाँ बैठ के फीड कर रही थी, तो आई थिंक उसी वक्त ये अदला बदली जो है वो हो गई। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वीओ में क्यों बोल रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि बगल में बच्चा सुकून से सोया है, तो मैं आवाज़ नहीं करूँगी। चलिए मैं खा लूँ, फिर मिलते हैं। ये मैं गरम कर रही हूँ पाव, ये और ये पापा की चाय रेडी। ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया है, ये थोड़े पाव गर्म हो गए। धर्म दादा काट रहे हैं हरा धनिया, और दीदियाँ जल्दी जल्दी कट करके उस पर बटर लगा दिए। हर मंडे की तरह आज भी रिचुअल, क्योंकि आज शूट मंडे पे, हर शूट डे की तरह आज भी रिचुअल। आज हम भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बताया या नहीं बताया पता नहीं, मैं आज भेज रही हूँ कीमा पाव। तो यहाँ पे कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसलिए भी हम पाव फटाफट गर्म कर रहे हैं और फिर इसके बीच में प्लेस करेंगे और दे देंगे। लास्ट मिनट डिसीजन चेंज, मैंने सोचा कि मैं अलग अलग पैक करूंगी ताकि पाव जो है वो सॉगी ना हो जाए। और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और ये मैं पैक कर रही हूँ लैमिंगटन्स। सो ऑल डन, ऑल रेडी। आज के मेन्यू पे है कीमा पाव, लैमिंगटन्स एंड यमी यमी कोल्ड कॉफ़ी। बैग्स पैक्ड, ये है कोल्ड कॉफ़ी एंड डिस्पोजेबल्स, ये दो बड़े थर्मस एक छोटा। और यहाँ पे है कीमा, और ये है लैमिंगटन्स के डब्बे, एंड वो साइड में फॉइल में है पाव। सो ओके, ऑल डन, ऑल रेडी। और ये देखिए नानी एकदम एनिमेटेड वर्जन में रूहान को एंटरटेन करती हुई। और ऐसे ही ये खेलते खेलते सो गया, और फिर दो घंटे बाद उठा एकदम फ्रेश। उठ गया। गुड मॉर्निंग मेरे सोना बेबी। अच्छे से नींद करके उठे, अच्छे से नींद करके उठे। क्या हुआ, क्या हुआ? आई सोच रहे हो स्माइल दूँ कि नहीं दूँ। अरे थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी स्माइल दे दो, थोड़ी सी स्माइल दे दो, जल्दी से दे दो ना, थोड़ी सी स्माइल दे दो ना, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी, थोड़ी सी स्माइल दे दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी स्माइल दे दो। मेरा बच्चा, क्या है, किसका पैर है, किसका पैर है? बाहर निकल गया हूँ। अच्छा, हैप्पी हो रहे हो? तो ये इसने अभी पिछले कुछ दिनों से करना सीखा है कि ऐसे पूरा जो है पैर हाथ में लेता है और मुंह में भी डालता है। और ये भी बच्चे करते हैं ना, अपने मुंह में अपने पैर का अंगूठा डालते हैं, ये भी वही करता रहता है। और जब मैं इसको फुल रोम्पर पहनाती हूँ ना, जिसमें इसके पैर नहीं दिखते, तो ये बहुत देर तक अपने पैरों को देखता रहता है कि दिख क्यों नहीं रहा, कुछ अलग अलग क्यों लग रहा है। और जैसे ही मैं खोल देती हूँ, वैसे ये मौका नहीं छोड़ता और तुरंत अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखो अभी भी लगा हुआ है। क्या है रूहान, क्या है? अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, आएगा आएगा, फिर से कोशिश करो, करो करो, कोशिश करो। और ये जो है अब इसका फेवरेट टाइम पास हो गया है, जैसे ही इसको लिटाओ
और इसके रोमपर से इसके पैर निकालो। सबसे पहले ये हाथ में लेके कोशिश करता है कि इसे मुंह में डाले, और अगर नहीं जाता है तो वो ऊ करके उससे बात करते रहते हैं और फिर करके परेशान हो जाता है। सो बस यही प्यारी प्यारी चीजें, प्यारे प्यारे छोटे छोटे डेवलपमेंट्स जो हैं, जैसे पिछली बार मैंने आपसे शेयर किया था कि उसने पहली बार पलटी मारी, अब वो ये करने लगा है कि पैर का जो अंगूठा है वो मुंह में डालने लगा है। सो ये सारी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। एंड ऑन दैट नोट, आज का ये व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।